हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे, सुगमुख चैनल पे स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम भाभी के घर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर कुछ डेकोरेशन ऐसा है, तो अभी आप लोग को भाभी से मिलाते हैं, रुक के देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम भाभी के पास आ गए हैं और भाभी भी जाने के लिए रेडी है। आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए अभी हम लोग निकल रहे हैं, काफी लेट हो चुका है और भाभी का गला बैठ रहा है, भाभी का बैटरी डाउन हो चुका है। देखते हैं सुबह तक कैसे रहती हैं और तबीयत भी शायद खराब हो सकता है। नहीं, रात भर जगे थे ना, बात ये अभी देखना तुम का किए थे रात भर। हम चलो तुम आई बने की हम फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं घाट पे, तो आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ब्लॉग में ऐसे ही हमारे तब तक के लिए बने, चला जाए चला जाए। तो दोस्तों, भाभी का ये जो कलश है, ये जो कलश है हमको थमा कर गई हैं देखने के लिए, तो पकड़े हुए हैं। अभी आएंगी तो चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेट सच में हो गया है। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, घाट पे हम कहाँ जाते हैं, आपको लोग को छठ कहाँ दिखाते हैं, तो भाभी बुलाई हैं। तो आज हम भाभी के गोरखपुरिया भौजी के घर आए हैं और यहीं पर छठ मनाएंगे, और हो सकेगा तो रहेंगे हम दो दिन तक, क्योंकि आज और कल, उसके बाद से हो सकेगा टाइम मिलेगा। कल शाम को फंक्शन होगा, सारे ढेर सारे यूट्यूबर लोग शायद आएंगे, हमको नहीं मालूम है, पर वीडियो में भाभी बोली थी सबको आने के लिए, तो लगता है सब कोई ज़रूर आएगा। और तो कल शाम को फंक्शन है, तो वहीं पर फंक्शन सन बिता के मिलते नहीं हैं, चले जाएंगे घर हो सकेगा तो। अगर अच्छा व्यवस्था रहा तो रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, है आवा जा रहे हैं। और दोस्तों ये हैं सिया, सिया भौजी की बेटी, जो कि कह रही हैं चलिए। तभी कलशा लेकर हम ऐसे यहाँ से बैठे हैं, भाभी बोली हैं ऊपर चलिए बैठे रहिए, अभी हम आएंगे तो चला जाएगा। यही पकड़ो, आ गई बुलाई लीन है, चलिए